आ जाओ। नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, जय श्री कृष्णा, जय माता जी की, नमस्ते, राम राम। जल्दी आ जाओ, दोनों बाद में आए हो, अब तो दिख जाओ सर। इतने दिनों बाद, इतना दिन है सुनीता नो गया, रोजान तो लियो क्लास, काल को नहीं आयो, परसों आयो नहीं। हाँ हाँ राकेश कुमार राम राम, और से मीना गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। ठीक है, हाँ पहली तो एक रिक्वेस्ट है, अब कोई भी शिकायत नहीं करो, लिखाती टेम कर दियो कोई शिकायत है तो, पढ़ाती टेम ना करे करो, काम की बात पूछे करो, प्रश्न एक नहीं पूछेगा उन्दी बात सगड़ी पूछ लेगा। मुनीषा कुमावत पढ़ ले, चल देख क्या चल रहा था। द सिंधु घाटी हैज बीन रनिंग, सिंधु घाटी हैज बीन रनिंग, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था हड़प्पा, फिर पढ़ा था मोहन जोदड़ो, फिर पढ़ा था चनहूदड़ो, और चौधरो बाद गिफ्टो, हाँ रोप पड़े, फिर पढ़ा था पांचवा बनवाली। अल इतना अपा पढ़ चुका, और हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था 1900 दयाराम साहनी द्वारा। 1921 के अंदर दो टीले मिले, माउंट एप मिला, HR 26 मिला, R 37 मिला था, उसके उत्तर में चबूतरा 18 ऊं खड़ी अनाज पीसता, छह नाना गा रहे, अरबिंगो मुंह खुले भी नहीं। ठीक है, उसके बाद में मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला, मर गयो क्यों मलेरिया और कफन और बखाए और अखल दास, और 1922 से अरे एक दो नृत्य रत मूर्ति इतरी को मूर्ति रे पेट रवे चीजा। ठीक है, चनहूदड़ो एक औद्योगिक नगर था, और लपिस्टिक रोपड़ भारत में खोजा गया सिंधु घाटी का पहला स्थान कौन सा है, रोपड़ रोए कुण गंडकड़ो कुतियो आदमी सा कुतियो दफनाइडो, बनवाली बड़ोई रही सा आदमी बड़ोई रिपिया रो आदमी है गठे रहे बनवाली हरियाणा में रहे, रोपड़ पंजाब में रहे, तो बड़ोई रही सा आदमी है, रही सा आदमी को घर है वास पेशन मिले यार सोना ही बर्तन आ रहा पोली सारा बह मिले ये दो तीन चीजा मिली है, यानी आप दोरो सोरो सिंधु घाटी ने याद करन लग रहा। अब आप सिंधु घाटी को राजस्थान में एक स्थान है कालीबंगा जो हम नहीं पढ़ेंगे, वो हम राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर सेपरेट डिटेल से वहीं पढ़ेंगे, यहाँ नहीं पढ़ेंगे उस चीज़ को। क्यों? क्योंकि राजस्थान के इतिहास में जब हम राजस्थान की सभ्यताएं पढ़ेंगे तब हमें पढ़ना पड़ेगा उसे, तो इंडिया लेवल पे अगर आप तैयारी करते हो तो उसमें ज़्यादा नहीं राजस्थान ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, कालीबंगा गर नदी हनुमानगढ़ दो तीन बातें हैं, लेकिन राजस्थान लेवल पर जब आते हैं तो उसको पूरा डीप जाना पड़ता है, तो वो डीप हम राजस्थान के इतिहास के अंदर ही जाएंगे। गुड इवनिंग सर जी, थैंक्स फॉर द बेस्ट ऑफ, ठीक है सरवन राम कमेडा, देखो चल देखो नेक्स्ट अब पढ़ते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी समझ में आ गई, सोखी आ गई, दो टॉपिक वही है। देखो अब आपने दो नाम याद रखना चाहिए, एक हुई दो राक्ष को धोलावीरा, देखो धोला हुई याद रह जाए धोलाऊ, यानी एक तो धोला से धोलावीरा, एक ला से लोथल, यानी गुजरात के, वैसे सिंधु घाटी के सबसे ज्यादा स्थान कहाँ खोजे गए हैं, सिंधु घाटी के सर्वाधिक स्थान कहाँ खोजे गए, सिंधु घाटी के सर्वाधिक स्थान गुजरात में खोजे गए हैं। ठीक है, अब धोला और वीरा, एक है लोथल, दो ले लोथल दोनों ही कटे, दोनों का दोनों ही टावरों गुजरात रे मायने है, धोला वीरा और लोथल। सबसे पहले आप धोलिया क्या दुआ धोला वीरा, देखो ये है धोला वीरा, यहां लिख देता हूं नाम धोलावीरा। कालीबंगा का क्या अर्थ है, कुछ कालीबंगा गोर तो काली चूड़िया नाम सेट हो जाए, ज्यादा दोरो को नहीं, मोहनजोदड़ो मृतकों टिलो क्योंकि वो भी सेट हो जाए, मैं मोहनजोदड़ो मैं मृतकों, लेकिन धोलावीरा में गड़बड़ हो जाए क्योंकि धोला को अर्थ तो वह सफेद धोड़ो कौन कहीं करेंगे, एकदम धोड़ो झकीड़ है, एकदम कालो बंगू है, कहीं रहे धोड़ो झपीड़ गोरो गट भी धोड़ो, उदयपुर से हरिओम हरिओम बाया बाबा जाने सबके मन की बात, जपनाम जपनाम बिल्कुल। हाँ चलो, वीरा वीरा बोले, वीरा बोले कुए ने, यानी इसका अर्थ हो गया सफेद कुआ। धोला वीरा कहां पड़ता है, गुजरात के अंदर कादिर द्वीप के, गुजरात मनहर और मानसेर के बीच में है कादिर द्वीप। खोजकर्ता जो है वो तो इसका रटना पड़ेगा, JPGC और RS विस्ट है वो तो आपको रटना पड़ेगा, यहां की चीजों को कैसे याद रखेंगे। देखो धोलावीरानिया याद रखो के दोयो, धोलावीरा दोयो एक ही बात है,
या कई बार आप कौन कह करेंगे भाई वो क्रिकेट खेलर क्रिकेट में ई त्रिकू दो यार ई त्रिकू छक्का चौका मारिया का सुनामी सी आ गई कह कर भयंकर आज तो भयंकर दोयो बिन दो मतलब खेल में ही तो को दो एक रहे चौका छक्का मार दिया कि नहीं आप कह कर भाई जी भयंकर दोयो बिन तो दोला वीरा को मतलब दोयो क्या मैं खेल में यहां से क्या मिला है एक खेल स्टेडियम मिले खेल स्टेडियम पूरो बढ़िया त्रिकोण स्टेडियम इया स्टेडियम और चारों ओर बैठन खातर इया जिया को नहीं करे खेल और स्टेडियम हो जब खेल चाल तो वैनी गठे भी चालो खेल स्टेडियम अगर हुए तो बठे एक बोर्ड भी बनाना पड़ेगा अभी पाकिस्तान की टीम इतना रन बनाया भारत की इतना बनाया वो एक स्टेडियम में के बोर्ड बने हुए खेल स्टेडियम श्याम पट का इसका बिल्कुल तो यहां से क्या मिला है श्याम पट भी मिला है। हाँ ऑफलाइन कब से स्टार्ट हो रही है सर सरकार की तरफ से तो रेखा 18 तारीख को हो रही है हम कर देंगे 20-21-22 तक कर देंगे आप कहोगे तब कर देंगे जब आप आना चाहो तब कर देंगे। नमस्ते सर जालौर से राधा श्रीमाली नमस्ते। चलो देखो दोइजे क्या में खेल में अरक भाई इन त्रिकोण दो चौका छक्का सुनामी सी आ गई तो दोला वीरा से किसके अवशेष मिले हैं सुनामी के अवशेष भी मिले हैं यानी समुन्द्र के किनारे था इतो दोयो के हर नगर दो बागा में ओ इतो दोयो के टूट के तीन भागों में विभक्त हो गयो तो धोलावीरा जो है इसका नगर तीन भागों में विभक्त है। धोलावीरा का नगर तीन भागों में विभक्त है दुर्ग मध्य भाग और निचलो भाग ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है धोलावीरा देखो ए चीजां याद कर रही एग्जाम के टाइम याद कर रहेगी पंजाबी करवाओ ए चैना देवी पंजाबी जो है वो हम अपलोड करेंगे रिकॉर्डिंग चल रही है और अगले महीने कन्फर्म अपलोड हो जाएगी हो सकता है इस महीने के लास्ट में हो जाए लेकिन अगले महीने कन्फर्म हो जाएगी तो इसके लिए आप दोबारा न बोले चाहे हम रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं सरदार जी है गंगानगर की वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ठीक है। देखो धोला धोला का अर्थ है धोड़ो सफेद वीरा का अर्थ है कुआ सफेद कुआ क्योंकि कुएं का होगा ज्यादा ही अवशेष मिला है धोला वीरों में धोला मतलब दोइजे क्या हम खेल में दीजे यहाँ से खेल स्टेडियम जहाँ खेल स्टेडियम होगा वहाँ श्याम पट बना होगा यहाँ से श्याम पट भी है और इन तरीकों दोयो के सुनामी से आ गई सुनामी के अवशेष भी कहाँ से मिले हैं धोलावीरा इतो दोयो का टूट के तीन भागों में विभक्त हो गए तो यहाँ से क्या यहाँ का नगर तीन बाकी सभी जगह नगर दो भागों में विभक्त है लेकिन यहाँ का नगर तीन भागों में विभक्त है याद रहे जैसी ये सर नोटिफिकेशन नहीं आया रीट वाला कहाँ नहीं आया सब जगह तो आ गया हाँ तेरो एडमिशन के तेरो कर लेंगे यार अनिल यार तन्ने कौन के तेरी है यार गुरुकुल अगर दिया जी ठीक है चल याद होयोगे किमी याद होयोगे हूं तो घणो ही बढ़िया तरीकों बतान लाग रहे हूं कोई जस ही नहीं मित्र धोला वीरा ठीक अब एक स्थान और है कौन सा लोथल क्या लोथल ये भी कहां है अहमदाबाद गुजरात के अंदर खोजकर्ता वगैरह तो देखो था नहीं याद रखना पड़ेगा और कोई इलाज को नहीं एस आर राव सागरमती और भोगवा नदी पर है लोथल कौन सी नदी पे सीधा याद करना भोगवा नदी पर यहां से क्या है यहां से एक चीज मिली है यानी एक तरीके से लोथल एक तो था बंदरगाह सिंधु घाटी में सभी जगह के जो मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते हैं सॉरी मुख्य सड़क पर नहीं खुलके पीछे खुलते हैं सब जगह भले कालीबंगा हो भले कहीं हो लेकिन लोथल में दरवाजा जो है वो मुख्य सड़क पर खुलता है ये बात एक अलग है जैसे राजस्थान में सभी जगह लोग कोड से टॉयलेट यूज करते हैं पगलिया पूजी जाए आपने तो बे पगलिया बैठना बे टॉयलेट यूज करा जबकि आपने समकालीन सभ्यता जयपुर है जयपुर में पाश्चात बैठना यूज करे सर्दी के मायने तो बे यूज करे तो अब सभ्यता तो आपने सागे चल रही है जयपुर की लेकिन जयपुर आरा देखो तो वो यूज करे आप पगलिया पूजा अभी तो ई हिसाब हुई सब जगह से सड़क घर के दरवाजे पीछे गली में खुलते हैं एकमात्र लोथल इसका अपवाद है मुख्य सड़क के ऊपर खुलती है
क्लास अपलोड हो जाएगी सुनीता सैनी, आज नाइट में होगी प्रत्येक क्लास। हाँ, मन के कहां से मिले, मन का कई जगह मिले, अपनी सारण है। हाँ, चौधरों से भी मन का बनाने का कारखाना मिला है, इनको मतलब डंगू पटल आ गया, कोई बात नहीं। यहां से एक गोदीवाड़ा मिला है, गोदीवाड़ा को मतलब एक तरीका है को वो जट झाज रुक है बिन के बोला बिन गोदीवाड़ा मान लियो, तो इन तरीकों मिले बिंग। उत्तरी साइड में एक दरवाजो है जिसके अंदर से जहाज अंदर आते होंगे, पक्की इंटांगो घेरो है, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर याद रखो तो लोथल से किसके अवशेष मिले हैं, चावल के अवशेष। आल्यो जी, बाकी कोई छोटी मोटी बात बची है तो लिख रहे हैं। हाँ सर, कल हम क्लास में नहीं आ पाएंगे, के बात हुई, काल नहीं आओ तो शाम के देख ली। हाँ आए देखो, कौन है, शालिनी पूछ रही है, सुनीता गठे की है, तो भाई सुनीता शालिनी जी पूछ रही है, मन बताओ गठे का थी। हाँ अब के पे तो शालिनो है, शालिनी है। हाँ अभी वाली क्लास अलग से नए फोल्डर में डाल, तो नया फोल्डर ही है, नया नहीं बना रखा क्या, इंडिया हिस्ट्री का नया ही है, नोट्स लिखान लाग रहा, सिर में मारा होगा अपलोड करिए, लिखान लाग रहा, अरे बढ़िया किताब लिया, अब हम अंडरलाइन करते जा। चलो आप कहो तो मैं दोबारा रिपीट मारूं, आप कहो तो मैं नहीं मारूं, क्योंकि वो तो मेरी मर्जी है कि मारूं कि नहीं। हाँ सर, हम पैड यूजर जिस तरह दुरीना पर अपलोड कर रहे हो, उसके अलावा हमें बुक्स में भी जरूरत नहीं है क्या? देखो बुक तो एक होनी होनी चाहिए, आपकी सफलता बुकों पे आधारित होती है, हम सिर्फ आपकी रुचि पैदा करते हैं। हाँ हम हमारी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं जितना करवाने की कोशिश, लेकिन सहायक बुकें होंगी, बस करने का पढ़ने का तरीका एक ही होता है। आपने भले आपने ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो भले ऑनलाइन, सिंधु घाटी मैंने पढ़ाया, नोट्स बनाओ, प्रत्येक टॉपिक के बाद दो लाइन छोड़ो, जैसे मोहनजोदड़ो के बाद दो लाइन छोड़ दो, हड़प्पा के बाद दो लाइन छोड़ दो, आपके पूरे नोट्स तैयार हो गए सिंधु घाटी। अब आपके पास जो भी कोई गाइड है उस एक गाइड में से भी आप सिंधु घाटी पढ़ो, जब मेरे वाला पूरा याद हो गया, अब आप जैसे ही गाइड पढ़ोगे तो पढ़ते ही आपको कोई ना कोई नई बात जरूर मिलेगी, भले ही आप कितना ही मैं डीपली करवा दो, कोई ना कोई नई बात मिलेगी, आपके तुरंत दिमाग में अटक जाएगी। हमने एक बार सिंधु घाटी मैंने रट लिया, अब कोई नई बात आती है वो मुझे रटने की जरूरत नहीं, वो दिमाग में ऑटोमेटिक अटक जाती है कि यार ये तो हमारे ध्यान में नहीं था। तो सिंधु घाटी को आप, मैं करा रहा हूं उसको बढ़िया से पढ़ो, पढ़ने के बाद आप अपनी किताब के अंदर सिंधु घाटी को पढ़ो, कोई नई बात आए उस नोट्स में डाल दो, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। यानी एक बुक तो आपको पढ़नी पड़नी है, एक बुक तो आपको रेफरेंस साथ में रखनी रखनी है बस। किसी टॉपिक, किसी गुरु जी ने कोई टॉपिक करवाए, चंबल नदी करवाइए, गुरु जी से नदी पढ़ी याद हो गई, अब आपकी गाइड में नदी पढ़ो, कोई नई बात आई वहां लिख दो, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। हाँ ऑनलाइन क्लास हमेशा चलेगी क्या? ऑनलाइन हमेशा ही चलती रही, युगों युगों तक चलती रही, क्योंकि अब ऑनलाइन का जमाना है। चलो ठीक है, अब हमारी चीजें मेन मेन तो पूरी हो गई, लेकिन अब भी बहुत कुछ बाकी है। सर रिपीट मार दो बहुत अच्छा होगा, संदीप वर्मा बिना मतलब क्यों करे रिपीट, के रिपीट मारो, अब भी तो मारियो, आता ही तो पहले बहुत रिपीट मारियो भी, आज तो मैंने करवाया ही दो है, एक धोलावीरा करवाया एक लोथल करवाया, धोलावीरा मतलब दोनों ही याद रखी, दोनों मतलब खेल में दो ही जाए, यानी खेल स्टेडियम मिला है, श्यामपट मिला है धोलावीरा से, और दोयो जो तीन भागा विभक्त हो गया, तीन भागा विभक्त मिले है धोलावीरा, धोलाकार सफेद वीरा का अर्थ कुआ होता है, लोथल चावल का अवशेष है, मैन तो गोदीवाड़ा और दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते, ये दो तीन बातें ठीक है। चल धोलावीरा सबसे बड़ा नगर है, ये भी ध्यान रखना, वैसे तो राखी गड्डी माना जाता है लेकिन बड़ा ये भी माना जाता है, स्टेडियम को जोड़ दे तुम, स्टेडियम का आकार वगैरह क्या है वो आगे बताएंगे। अब हमें एक एक चीज पढ़नी है आगे डीपली, क्या क्या पढ़ना है, अब जो हमने सिंधु घाटी पढ़ा अब हमें यह सीखना है, अभी तो हमने नगर नगर पढ़े हैं, मैन नगरों की विशेषता, लेकिन अब हम बात करेंगे कि ये लोग कैसे रहते थे, ये लोग किस देवता को मानते थे, इन लोगों की कल्चर क्या थी, ये लोग रहते कैसे थे, घर मकान दो मंजिला बनाते थे कि एक मंजिला बनाते थे, और इनके मीटिंगें कैसे हुआ करती होगी, तो ये चीजें पढ़नी है। सर ऐसा ही में वर्ल्ड जीके आएगा क्या? नहीं आएगा, वर्ल्ड जीके सिर्फ और सिर्फ किस में लगता है, आरएएस मेंस के अंदर लगता है, बाकी वर्ल्ड जीके कहीं नहीं आता है, या तो फैसलेट स्कूल लेक्चरार में आएगा हिस्ट्री में, और या फिर इसमें आएगा आरएएस मेन, बाकी वर्ल्ड जीके कहीं नहीं लगता ठीक है। चलो ठीक है, देखो अब इनकी एक एक चीज पढ़ी, सबसे पहले हम इनका पढ़े नगर नियोजन, नगर नियोजन समझोगे क्या बोले, नगर मतलब आंगा शहर वगैरह किया बसेड़ा, वह चीज पढ़नी जरूरी है। ये लोग जो है वो बड़े ही सभ्य तरीके से रहा करते थे, लड़ाई झगड़ा इनको आता ही नहीं था,
बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। तो एज का बैर भाव है तो अब चालू है, पहले नहीं थे। जब तक जब आदमी पुराने समय के लोग, जैसे आपको पता है दुनिया की सबसे शांत जो है, सबसे सब मतलब बिना लड़ने वाली सबसे भोड़ी भाड़ी जनजाति कौन सी है? एस्किमो। कहाँ एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है? ग्रीनलैंड के अंदर, उत्तरी कनाडा साइड में, वहां द्वीप के ऊपर, जहां 6 महीने की रात 6 महीने दिन। उन्हें लड़ने से फुर्सत ही नहीं है, यानी लड़ाई ना फुर्सत ही कौन मिले बाल। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रकृति से लड़ने में फुर्सत नहीं है। लड़ेंगे कब? कई शाणा में एक एमएलए के घरे गए मैं, और उसे अब सोच सकते हो कि एमएलए का घर है, और भी गए 3-4 टाबरा और खुद एमएलए, और आन जाना रहा लोग बांगे रहे हमेशा। लेकिन वो एमएलए की जो खाना पीना बनाने वाली जो थी ना, वो एमएलए की 4 बेटों की बहू बना रही थी। कोई आओ कोई जाओ। अब पता है, अब आप सोच रहे गुरुजी एमएलए हो वो कंजूस हो ना? कंजूस को नहीं, सियाणो हो। सियाणो क्या हो? सियाणो यहाँ हो कि आदमी लड़ाई कब करेगा? फुर्सत में। अगर व्यक्ति को टाइम मिल गया ना, या तो वो जैसे आप फ्री होते हो कभी, तो आपकी कुरापात जन, खाली दिमाग शैतान का घर, आपकी कुरापात जगता है हमेशा। आदमी ये जो गलत हरकतें करता है ना, आस की बाजी, ये फुर्सत के काम है। जब आदमी बिजी हो जाता है, आस की बाज की भूल जाता है। तो अब क्या है, अब वह 4 बुआ कदी एक जगह कौन रहे, लेकिन बन टेम ही कौन मिला लड़ने। कदी कोई आज अभी खातर रोटी बनाओ, कदी कई कई के वह सियाणा अब के करे घरे 2 भैंस लिया होगा, अब वह लुगाया सासू बुआ भी भैंस में ही उलझड़ी रहे, लड़ाई करने टेम ही कौन मिला। तो ऐसे सियाणा आदमी, ग्रीनलैंड के लोग जो बेचारे क्या लड़ेंगे, वो ऐसकी मोदन प्रकृति से लड़ने को फुर्सत ही नहीं है। ये लोग भी प्रकृति के साथ संघर्ष करते थे, लड़ने का समय ही नहीं था। बेला बैठा लड़ा फेसबुक पर, बेला बैठा पोस्ट गिरा, बाकी तो अपन टाइम ही को नहीं। तो लड़ाई दंगा ये सब बेले बैठे काम है। तो ये लोग लड़ाई दंगा नहीं किया करते थे, इन्हें प्रकृति से बहुत संघर्ष करना पड़ता था। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके नगर नियोजन, सबसे बेहतरीन नगर नियोजन इन्हीं के थे। आज तक की सभ्यताओं में सबसे शानदार तरीके से इनके नगर बने हुए थे। देखो, थोड़ो सो ऊंची साइड हो तो चबूतरों बट्ठे तो एक गढ़ बनाता, गढ़ हमेशा ऊंची पर, और नीचे जो को समतल मैदान हो तो मैदान के अंदर एक खुद रहा करता, और चारों मेर मोटी दीवार शानदार तरीकों, यानी हो सकता है सुरक्षा की दृष्टि से रहे होंगे। चारों ओर मोटी क्या बना दी, दीवार। और देखो क्या विशेषता है, अब प्रत्येक जी मैं 8 घर बनाऊं, वो एक घर बना दी, ठीक है। प्रत्येक ही तरीकों नगर के बंटेड़ा समकोण पर, यानी सड़कें इनकी क्या थी, सड़कें इनकी समकोण पर हुआ करती थी। ये देखो, यानी मुख्य सड़क की अगर थाने चौड़ाई बता दी नी तो 9 फुट लेगे 34 फुट तक, यानी आज भी आप रस्तो 12 फुट को ही छोड़ा, और भाई साहब एक रस्तो तो आगे कितना फुट को मिले लास्ट देखो, 9 लेगे 34, यानी 34 फुट तक, 34 फुट को रस्तो, यानी ये लोग नगरपालिका तक थी। क्यों? क्योंकि कूड़ादान रखेड़ा मिला, तो कूड़ादान तो नगरपालिका में हुए, तो शहर मिले ज्यादा क्योंकि नगरीय सभ्यता है। तो इन तरीके का चौड़ा रास्ता, और गली अगर बात करा, जैसे ये तो है मुख्य सड़क, ए गली मान लियो, गली लगभग 1-2.2 मीटर तक, और मकान किसके बनाए हुए, ईंटों के बनाए हुए। आज भी हम लोग विकास कर चुके हैं, बहुत बेहतरीन विकास हो चुका है हमारी सभ्यता का, और आज भी हम ईंट यूज करते हैं, वो उस समय ईंट यूज किया करते थे। इसका मतलब तो अपनी बराबर की थी ये कल्चर, भी फोन फान को नहीं होगी, व्हाट्सएप फेसबुक को नहीं हो, बाकी तो अपने बराबर थी ये कल्चर, यानी वो लोग भी ईंट यूज किया करते थे और हम लोग भी ईंट यूज किया करते। नगर के प्रकोटों तक बनाए डो, तो नगर के चारों ओर बता दी, वो तो अलग बनाई थी, मैं चारों ओर नगर के क्या था। अब जो घर बनाए उसमें क्या क्या चीज होती थी, देखो पहली बात तो ये घर है, ये मेन सड़क है, तो मेन पे दरवाजे पे दरवाजा, मेन सड़क पे इनका घर दरवाजा नहीं खुलता था, यानी जी आपा घर बना तो अपनी यही आदत होती है कि घर में आपनों गेट जो है वो मुख्य सड़क पर होना चाहिए हमेशा, बढ़िया तरीके शानदार, लेकिन इनका नहीं था। ये अपने घर का दरवाजा कहाँ बनाते थे, घर का दरवाजा पीछे रखते थे। प्रत्येक घर में कम से कम 3-4 कमरा, अरे वाह, स्नानागार बिल्कुल पक्को बनाओ, नावन घर बारह कौन जाता, शौचालय कन्फर्म,
यानी मोदी को स्वच्छ अभियान अठे भी हो, कुआ भी होया करता। अगर आपसे एक चीज पूछ ले, सिंधु घाटी की सबसे बेहतरीन चीज क्या है, मान लो कोई आपसे पूछ ले कि सिंधु घाटी का सबसे बेहतरीन चीज क्या थी, बताइए सिंधु घाटी की सबसे बेस्ट चीज क्या थी, बताइए। पीछे रोड नहीं है, हर घर में मेन रास्ता मेन रोड पीछे गली होती थी, जो ज्यादा चौड़ाई की नहीं हो वो गली थी। आज ही बहुत सारे घरों के पीछे गली है, जैसे दूसरा रास्ता है कोई प्लॉटिंग हो तो मेन सड़क पे न खुल के पीछे गली में खुलता था। हो सकता है इन लोगों को शोर शराबा पसंद नहीं होगा, हाँ बाटा यूज को नहीं है, इंटो का यूज करते थे ये लोग। पंजाबी की क्लास नहीं लगेगी, वीडियो अपलोड होंगे इस महीने के अंत में हो जाएंगे। सामाजिक की शिक्षण विधियां जो है वो साइको वाले सर कराएंगे, नागौर की झलक उनसे पूछ लेना। बताइए संदीप वर्मा सर जी, एक सेल्फ स्टडी के लिए भी क्लास लगाने, सेल्फ स्टडी। एक महेंद्र ने जवाब दिए, सिंधु घाटियों की सबसे बेहतरीन चीज थी ड्रेनेज सिस्टम, यानी जल निकासी, ये इनकी सबसे बेहतरीन चीज थी जो आज भी हमारे पास नहीं है। आपनों पानी आज भी इतरीकों को अंजारे हो, हाँ भी इतरीकों अंग हो जाया कर तो किया। ये मुख्य नाली है, देखो इनका नाली बनाने का तरीका वगैरह देखो इनका कितना शानदार था यार, हम लोग तो इनके कुछ भी नहीं है। आ तो एक है पतली नाली, ठीक है पतली नाली आगे जागे बड़ी नाली में गिरेगी, जो कि गुरुजी है तो आप भी करन लाग रहे हैं कि बड़ी नाली जोड़न खातर जिप्सम प्लास्टर की मिट्टी जिप्सम चुनो वो लगाए डे। लेकिन विशेष बात क्या थी, जैसे हम लोग नाली बनाते हैं वो सीधी नाली बनाती, ये लोग ऐसे नहीं बनाते थे। ये नाली यहां पर एक गड्ढा, फिर ये, फिर एक गड्ढा, फिर ये, और पूरी नाली ईंटों की बनी हुई और ऊपर से पूरी ढकी हुई नाली। हम लोग ढकी हुई नाली नहीं बनाते, वो ढकी हुई नाली में भी क्या विशेष, यहां पर देखो ये ढकी हुई नाली के यहां पर थोड़ा सा गेट और दरवाजा लगा दिया, यानी यहां पर क्या लगा दिया, जैसे अपनी नालियों के ऊपर रखा होता है ना वो हटाते हैं उससे कचरा सा अपनी, वो लगा दिया। अब इससे क्या फायदा होगा, यानी नालियां बीच में चैम्बर बना दिया एक तरीके का, गड्ढा बना दिया, इससे क्या फायदा। हम लोग जब नाली की सफाई करते हैं ना तो पूरी नाली की सफाई करनी पड़ती है, जबकि सिंधु घाटी देखो कितने विद्वान थे हमसे, वो लोग क्या करते थे पूरी नाली की सफाई नहीं करते थे। क्यों, क्योंकि नाली में पानी आ रहा है लेकिन यहां गड्ढे में जो भी कोई कचरा इकट्ठा हो गया फिर आगे पानी चला गया यहां, अब यहां से वो ऊपर गेट लगाई रखा है उससे हटा के कचरा बाहर निकाल लिया, और अपने को पूरी नाली की सफाई करनी पड़ती है। बताओ तो ए स्याणा का अपा स्याणा, ए समझदार था, इससे पानी का वेस्टेज नहीं होता था। तो सिंधु वासियों का सबसे बेहतरीन चीज थी क्या, ड्रेनेज सिस्टम, जल निकासी व्यवस्था इनकी सबसे बेहतरीन व्यवस्था मानी गई है, सभी सभ्यताओं में सबसे अच्छी चीज मानी गई है। सर दिल्ली में ऐसा, यहाँ दिल्ली में हो सकता है तो एक दो शहर ही है, बाकी तो सीधा नालता पड़े है, अपने तो खुला नाला पड़े है सीधा, ये व्यवस्था कई शहरों में है अब भी। चलो ठीक है, अब देखो एक दो चीज और देख लिया। सिंधु वासियों से अचंभित चीज करनारी चीज की है वो मैं पहले बता चुका हूं, स्नानागार, इसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं, तीन और इसके बरामदे, बीच में कुआ, उत्तर साइड दक्षिण से, क्योंकि ये भी तो नगर नियोजन में आएगा, उत्तर दक्षिण कुआ, ई साइड में के बनेड़ी एक नाड़ी, फिर आठ स्नानागार छोटा छोटा और बनेड़ा है, और के मिले और अनानागार भी मिलिया है। अनानागार की अगर बात करें 45.71 × 15.23 मीटर, अब देख लियो कितना बड़ा अनानागार, 45 × 15 और गुरु जी बहुत हो गयो नहीं। अनानागार कहां से मिले, हड़प्पा से, छह छह पंक्तियों में अनानागार बने हुए मिले हैं। ठीक, अब आगे सर ज्यादा श्याणा मान लियो की मान लियो, अब आगे हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इनका सामाजिक जीवन, यानी सामाजिक जीवन कैसा था, समाज में क्या रहता, क्या रहता। तो आज तो के पड्डी आज तो लिख लियो, फिर
सर दूरी ना कंप्लीट कोर्स रेडी करने के बाद में ही बुक रीड करना शुरू करें क्या, क्योंकि सर दूरी ना में कभी वीडियो बाकी है, मेरे कोर्स अभी लिए है 2-3 दिन हुए नाम ना सागे सागे पढ़, समय की बचत हो जाएगी। सिंधु घाटी कंप्लीट होती है, आप अपनी बुक से पढ़ोगे, सिंधु घाटी को मात्र 5 मिनट में पढ़ दोगे। पहले ये याद करो, फिर अपनी बुक को छेड़ो सिंधु घाटी, और सिंधु घाटी को पूरा देखो, आप 5 मिनट में रीडिंग मार दोगे। कोई नई चीज आई उसकी किया अंडरलाइन और लिखा, ये लो जी बुक भी साथ में कंप्लीट और ये भी साथ में कंप्लीट, दोनों काम साथ में करो। हाँ सर, इतना अनाज इकट्ठा करके क्या, अरे अनाज के बदले ही तो सारा खेल ही अनाज पे था, इनका सारा व्यापार ही अनाज के ऊपर था सारा। दैनिक आवश्यकता ही चीजें मुना, कपड़ा भी चाहिए और भी चीजा चाहिए, मना तन बेरो कौन टाबर और चलो ब्याह होगो तन बेरो पड़ो घरारी इसी इसी चीज मंगाओगी, दुकान आर जाए कह भी कौन सको पर्चिम लिखना पड़ोगा ऐ चीज दे दे, तो चीजा और भी चाहिए मुना। चलो लिखो, मुख्य स्थल लिख रहे थे, अब नेक्स्ट मुख्य स्थल लिखो क्या, लोथल। लोथल अहमदाबाद सरगवल गांव बोगवा व सागरमती नदी, ठीक है। उत्खनन 1955 से 62 एस आर राव, ठीक है। फिर लिखू नगर दो भागों विभक्त विभक्त, यहां थोड़े से घर कच्चे ईंटों के भी हैं। फारस मोरे मिली, मोहरे मिली, देखो जहाजों का गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड, या फिर उसे कह सकते हैं बंदरगाह भी बोल दो। लोथल से मिला मिला आका कितो गुड्डो गुर्जी हो, देखो 214x36 मीटर, ठीक है। इसकी गहराई 3.3 मीटर, देखो उत्तर में 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार जहां से जहाज आते, जहाज आने प्रवेश द्वार भोगवा नदी से जुड़ा, नदी जुड़ा, ठीक है। देखो यहां मिस्र में मेसोपोटामिया जहाज आते, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट शुरू हो जाता है ना,
इसी के साथ में आ गया ना, अलग से क्या है, साथ में आ जाता है। भी आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री का ही पार्ट होता है, जैसे राजस्थान हिस्ट्री में दुर्ग करवाते हैं तो दुर्ग वैसे हिस्ट्री का ही पार्ट है, हिस्ट्री में साथ में राजा महाराजाओं के साथ आ जाते हैं, बाकी हम अलग से पढ़ा देते हैं उसको। भी देवी देवता है तो देवता भी तो एक इतिहास का हिस्सा, इतिहास के ही तो पुरुष है वो, तो उन्हें अलग से सेट कर दिया, वो एक ही बात है। देखो ऐसा राव ने लोथल को लघु हड़पाया लघु मोहनजोदड़ो कहा कहा लोथल से चावल बाजरा घोड़े की मृण मूर्ति मिली। अपलोड आज हो जाएगी, जो रह गई कोई एकादी वो आज हो जाएगी। सुजाता राठौड़ की एक गलत बात है, वीडियो अपलोड हो जाएंगे, हो रहे हैं वीडियो, मेरे वाला एक ही तो नहीं हुआ था, कल गलती से वो रह गया था, क्योंकि नए बेंच ज़्यादा ले लिए ना तब गड़बड़ हो गई थी, बाकी वो सब सेटिंग हो जाएंगे। क्या लिखना है, ठीक है लिखो, तीन युगम समाधान मिले स्त्री व पुरुष एक साथ दफनाया गया, दफनाने युगल समाधि। नाव मॉडल व पंचतंत्र कहानी चित्र बुलोमड़ी आरा चित्र काली बंगाई तरह अग्निकुंड मिले समुद्री देवी मूर्ति मिली जिसे शिकोत्री माता नाम दिया ठीक है। यहाँ सौ सिर उत्तर पैर दक्षिण में करते थे, आपने ही उल्टो करे, अग्निकुंड अग्निवेदी का एक ही बात है। अच्छा ऊंची आवाज में बोलकर लिखाया करो, हाँ बोल के लिखाया, टाइम ज्यादा लगा है आज ही आई है, सिंधु सभ्यता से पहले पढ़ाए हुए टॉपिक अपलोड करवा देना सर जी, ज्योग्राफी आपसे पढ़नी है, नाम ना टीचर और दो थे।
लिए लिखो, लोथल के एक नई हेडिंग लिख लो, मिसर व मेसोपोटामिया संबंध के प्रमाण। प्रमाण ठीक है, पहला प्रमाण है फारस की मोर मिली, फारस की मोहर मिली। गोरिला मरण मूर्ति मिली, मरण मूर्ति मिली। मम्मी मिली, मम्मी का मतलब मम्मी बाप है, समझ गया कि जिस लाश को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है उसे मम्मी बोला जाता है। हाँ क्लास रोज ना होती, अरे करुणा शर्मा गठे को नहीं होने लाग रही, क्यों झूठ बोला है, अभी नया बेंच ही तो लिया है, डट तो शुरू से होगी, कंटिन्यू होगी, रोज होगी, नया बेंच लिया है तो अभी। हाँ गुरु जी हेलो पाड़ता कि ए सीता शर्मा के कह तू, हाँ चेटक बुक की प्राइस बताओ, अरे प्राइस दुकान आ रहा है वो जच्चे जी ले ले। जल्दी लिखो, 47 मिनट हो गई, अपलोड तुरंत में टाइम लगता है यार, अपलोड तुरंत की व्यवस्था तो कर रहे हैं हम, तुरंत कर दे। चलो लिखो, नेक्स्ट लिखो धोलावीरा, धोलावीरा ठीक है, लिखो धोलार सफेद, सफेद वीरार्थ कुआ, वीरार्थ कुआ। धोलावीरा कहाँ पड़ता है, कच्छ गुजरात, कच्छ गुजरात। मनहर वे मानसेहरा के बीच, कादिर द्वीप, खोज 67-68 जेपी जोशी। उत्खनन 1990-91 आर एस विस्ट, धोलावीरा नगर तीन भागों में विभक्त, भागों में विभक्त ठीक है। सुनामी साक्ष्य मिले, नेवले पत्थर मूर्ति मिली, साइन बोर्ड, खेल स्टेडियम, बांध, नहर, नहर अवशेष मिले, अवशेष मिले ठीक है। लिखो लिखो,
कितनी क्लास हुई? दो चार ही हुई है। लिखो लिखो जल्दी लिखो, अलग से लिखो, इसी में लिखना है। विशाल जलाशय व स्टेडियम, स्टेडियम धोलावीरा से 16 छोटे बड़े जलाशय मिले, जलाशय मिले। धोलावीरा स्टेडियम, स्टेडियम 283x45 मीटर है। ठीक है, फिर लिखो, एक और लिख दो, सूर को तैदा, ये कहाँ पड़ता है? कच्छ। कच्छ कहाँ है? गुजरात। यहां से कलश सवादान मिले, कलश सवादान मिले। उत्खनन 1964 जेपी जोशी, और यहां से विशेष है घोड़े हड्डी मिली, बहुत है सर। मेरे भाई का एयरफोर्स वाई ग्रुप में कोर्स गलती से पुराने वाला ले लिया है, हम रिफंड चाहिए। अरे तो रिफंड पुरानों के है ही, एक ही कोर्स एक ही है। रिफंड की बात हुआ है कि जीएसटी लाग जाए हमारे एक बजे पढ़ ले, कोई और दे दे भी नहीं जची तो है। हाँ, पांच बैच के सुन लो हरी दीवार ठे। हाँ, महेंद्र पढ़ ले सिट्टा पर। चलो लिख लिया ना, अब हेडिंग डालो एक, सिंधु वासियों स्थापत्य कला, स्थापत्य कला। ठीक, सबसे पहले नगर नियोजन, नगर नियोजन, सुनियोजित नगर थे, नगर थे। चबूतरे पर गढ़ व नीचे समतल समतल नगर, लिखो लिखो, मोटी दीवार पर कोटा, पर कोटा, समकोण पर सड़कें, सड़कें, चौड़ाई, सड़कों की चौड़ाई 9 से 34 फीट। ठीक है, फिर लिखो, नोट लगा के एक लाइन लिखो, कालीबंगा से सड़कें 1.8
3.6, 5.4, 7.2 मीटर चौड़ी मिली। बड़ी ईंटों की आकृति। ये देखो एनसीईआरटी में दे रहा है, जब मैं लिखवा रहा हूं, बाकी एग्जाम में कम ही पूछते हैं इनको। एक सामान्य ईंट 7.5 × 15 × 30 इंच, प्रत्येक घर में 3-4 कक्ष, स्नानागार और शौचालय, कुएं मिले। जल निकासी बेहतरीन व्यवस्था, बड़ी नालियां ढकी हुई। नालियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर में मिट्टी, जिप्सम व चूने का प्रयोग। नालियों बीच चेंबर का मतलब सोस गर्त बने। सड़कों नालियों मेन होल बने। टाइम हो गयो 58 होगी के। ज्योति कुमार, तो आपके सिंधु घाटी अपलोड नहीं हुई है? सिंधु घाटी तो आपके अपलोड नहीं है क्या? पहले से चेक करियो, 500 मैच में पहले से अपलोड नहीं है क्या? हैं, लोथल गुजरात में हूँ राम कुमार। तू लिखू जल्दी लिखो भी। चलो देखो, विशाल स्नानागार, ठीक है, आकार बीच में कुएं का आकार है 39 × 23 × 8 फीट। उत्तर दक्षिण में ईंटों की सीढ़ियां, तीन तरह बरामदे, फर्श व दीवार ईंटों की। उत्तर में
छोटे छोटे आठ स्नानागार सेनानागार। विशाल अनानागार हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से मिले मिले ठीक है। 45.71 × 15.23 मीटर। चलो कल मिलते हैं फिर। ओके थैंक यू।